मैं हूँ प्रियंका सिंह, आप लोग देख रहे हैं प्रियंका सिंह 555। तो आज मैं एक आई लाइनर का रिव्यू देने जा रही हूँ जो कि ब्लू हेवन ब्रांड का है और इसे मैंने फर्स्ट टाइम कलरफुल लाइनर ख़रीदा है और कॉम्बो में ख़रीदा है। इसे मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और ये जब सेल चल रहा था उस टाइम में मैंने 2 महीने पहले परचेज़ किया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम में कॉम्बो में और कलरफुल लाइनर परचेज़ किया है इतने सारे। ये 6 पिक्स था बट एक मुझसे टूट चुका है, नया नवेला था, एक बार भी मैंने यूज नहीं किया था बट मेरे हाथ से छूटने की वजह से वो टूट गया। बहुत बुरा लगा, टूट गया मेरे हाथ से, क्योंकि ये कांच के, ये ऊपर के कवर है जो मेटल के हैं, जो ये वाला है कांच का है, थोड़ा सा भी अगर टूटता है तो हाथ से छूटा तो गया आपके हाथों से ही। यहाँ पे ब्लू हेवन लाइनर लिखा हुआ है, ये इसकी क्वांटिटी 8 ml की है और यहाँ पे डिटेल्स वगैरह कुछ दिए हुए हैं सबका, और इसका कुछ स्पेशल पैकेजिंग नहीं होते, ये डायरेक्ट मैंने ऐसे ही मुझे मिला था। मैंने अमेजन से परचेज़ किया था तो उसके सिर्फ अमेजन के बॉक्स में ऐसे ही डाला हुआ था तो इसका कोई स्पेशल पैकेजिंग नहीं है, ये मुझे इस तरह ही मिला है। कलर मैंने ब्राउन, ग्रीन, रेड, गोल्डन और ब्लू, और जो टूट चुका है, जो मेरे, जो मैंने बोला आपसे कि एक लाइनर मेरा टूट चुका है, वो ग्रे कलर का था, लेकिन मैंने ग्रे सेलेक्ट नहीं किया था। जो कॉम्बो में दिखा रहा था वहाँ पे इन 6 में ब्लैक कलर दिखाया था, एक कलर उन लोगों ने खुद से ही चेंज कर दिया था, तो अगर आप कॉम्बो में लेते हैं तो एक कलर इधर उधर हो सकता है। बाकी ओवरऑल मुझे जो जो मैंने कलर सेलेक्ट किया था सेम टू सेम वही है, बस ब्लैक की जगह पे ग्रे आया था। और इसकी क्वांटिटी भी पूरी हरी भरी है, मतलब थोड़ा सा भी कम ज़्यादा या सूखा भी नहीं है, लाइनर बहुत ही अच्छी है। और देखिए इसका ब्रश भी बहुत ही स्मूथ और पतला है, आप आराम से इसे अपने आँखों पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कलरफुल लाइनर लेने का एक और भी फायदा है, आप नए नए डिजाइन वगैरह भी कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं या आप स्टाइलिस्ट हैं, आपको नए नए स्टाइल, नए नए लुक चेंज करना पसंद है तो आप ये लाइनर आराम से परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, हाई पिगमेंटेड आई लाइनर है। मैं आपको सबकी यूज करके मैं आपको बताऊँगी। इसमें कुछ है नहीं, ये वाटरप्रूफ वगैरह भी नहीं लिखा हुआ है, ये वाटरप्रूफ है भी नहीं, अगर लिखा भी हुआ होगा तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ये वाटरप्रूफ नहीं है, नॉर्मल है। ये लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है, बहुत टाइम तक नहीं चलता है, लेकिन डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है। आप आजकल वीडियो वगैरह के लिए लगाना बहुत अच्छा है, या आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी मेकअप रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी गीले कपड़े से या गीले कॉटन से आप इसे क्लीन कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये वाटरप्रूफ नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन आप इसे कम से कम 3-4 घंटे या पूरे दिन के लिए ठीक है, लेकिन ये और बाकी जो लॉन्ग लास्टिंग वगैरह होते हैं ना, मॉर्निंग में जैसे लगाया पूरे दिन चलते हैं एकदम, और शायद वाटरप्रूफ नहीं है, इसीलिए जब हमारे फेस पे पसीना वगैरह होता है तो ये थोड़ा सा डिसमैच हो जाता है, लाइनर थोड़ा हल्का से फैलने लगता है या थोड़ा लाइट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ये ठीक है, डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही किफ़ायती है। इसे मैंने परचेज़ किया था 390 में, तो एक का 60 या 64-65 समथिंग होगा एक का, तो उस हिसाब से भी बहुत ही अच्छा है। ये कलर बहुत ही क्यूट कलर है, आप ड्रेस से मैच करके भी आप लगा सकते हैं, आप नए नए लाइनर के डिज़ाइन वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हैं। आप कलर को मैंने एक काफ़ी बार यूज भी किया है, आप लोगों ने मेरे किसी वीडियो वगैरह में भी देखा होगा अगर ध्यान दिया होगा तो अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्यूट है, आप देखिए इस सारे लाइनर मेरे इस तरह के हैं, बहुत ही अच्छा है। तो पहले मैं रेड कलर की लाइनर आपको दिखाती हूँ। ये ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेता है, कम से कम 5-6 मिनट लेता है ड्राई होने में टाइम, तो देखिए कितना हाई पिगमेंटेड है ये देखिए। तो
ये कितना अच्छा लुक क्रिएट करता है। आप इसे ड्रेस से मैचिंग करके भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाई पिगमेंटेड है लाइनर, और ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी ये रिमूव भी नहीं होता, फैलता भी नहीं है। डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा है और बजट में भी है, आप आराम से इसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं, कोई भी आप ब्रांडेड भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड के भी लाइनर लेते हैं तो वो ड्राई होने में टाइम लेते हैं। तो दूसरा कलर मैं ग्रीन कलर लगाने जा रही हूँ। मुझको सबसे अच्छा, मुझे ग्रीन और रेड ही बहुत ज़्यादा प्यारा लगा कलर मुझे। ग्रीन कलर का लाइनर आप देखिए कितना आँखों को ये कितना ज़्यादा अच्छा हाईलाइट कर रहा है, और साथ साथ ये एक कुछ अलग ही लुक क्रिएट कर रहा है। क्योंकि नॉर्मली ब्लैक लाइनर सबको ही लगाते हैं, लेकिन कलरफुल लाइनर का लुक अलग ही आता है। आप ड्रेस से मैचिंग करके लगा सकते हैं, या नया लुक आप थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो आप कलरफुल लाइनर यूज कर सकते हैं। और ये इसका कलर बहुत ही थोड़ा शाइनिंग भी है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा ग्लिटर टाइप की कुछ इसमें ग्लिटर भी है, जो लाइनर के साथ साथ हल्की सी ग्लिटर की क्वांटिटी भी मुझे इसमें दिख रही है, जो कि हल्का सा शाइन क्रिएट कर रहा है। और ये दूर से भी हाईलाइट हो रहा है, आप इसे डेली बेस पे भी लगा सकते हैं, आप किसी फंक्शन वगैरह में भी अगर जा रहे हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ये वाटर प्रूफ नहीं है, तो ये आसानी से आप किसी भी कॉटन से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ईजीली स्किन से क्लीन हो जा रहा है, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा मैंने ड्राई नहीं किया, मैं आपको डेमो दिखाने के लिए ही मैं इसे कर रही हूँ। अगर ड्राई भी होता है तो कॉटन को हल्के से गीला करें और अच्छे से आप इसे क्लीन कर सकते हैं। ये वाटर रिमूव नहीं है, आप देख रहे कितनी आसानी से मैंने इसे क्लीन कर लिया है। अगर ड्राई हो, अगर आपकी लाइनर ड्राई हो गई है तो आप ड्राई कॉटन से आप क्लीन नहीं कर पाएंगे, आपको इसे थोड़ा पानी या स्प्रे से आपको गीला करके अपने लाइनर को क्लीन करना पड़ेगा। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना वगैरह नहीं आते हैं, या स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, या स्किन पे अगर आप पानी की छिटी बूंदे नहीं डालते हैं, तो लाइनर आपकी आंखों पे आराम से टिके रहेंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं, तो ये लाइनर बहुत देर तक आपके पास नहीं टिकने वाली है। अब मैं आपको गोल्डन कलर की लाइनर लगा के दिखाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट कर देता है आँखों को, और तो आप देख रहे हैं ये आंखों को कितना हाईलाइट कर रहा है, इसमें कितना हाई पिगमेंटेड है ये लाइनर। इस ये आपकी आंखों को पूरा लुक चेंज कर दे रहा है। देखो इस आंखों में मैंने अप्लाई नहीं किया, इसमें किया है, ये आंखों का पूरा लुक चेंज कर रहा है। आप ये 8 ml का है, कम से कम 6 कलर आपको मिल रहे हैं, तो इस आंखों का डिफरेंस आप देखिए। आप गोल्डन कलर के लाइनर आप किसी भी ड्रेस में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप ये कलर को आप कभी भी नए लुक के लिए या ब्लैक के साथ किसी के साथ, ये गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन में आता है। गोल्डन कलर किसी भी लाइनर के साथ आप मिक्स करके भी नए डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी क्वांटिटी, इस सारी की क्वांटिटी इतनी है कि आप लगभग कम से कम तो आप 1 साल तक लगा सकते हैं। 6 कलर के अगर लाइनर आपको मिलते हैं, 300 या 400 में भी अगर आपको मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। अब मैं आपको ब्राउन कलर के लाइनर को मैं दिखा देती हूँ। कोई भी लाइनर नहीं लगाया मैंने, सब रिमूव कर दिया है। आप इसमें देखिए मैंने 4 कलर का डेमो दे दिया है। अब मैं आपको लास्ट कलर ब्लू, ये तो 6 मिलता है बट मेरा एक टूट चुका है, तो मेरे पास 5 PC कलर अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर का लाइनर अप्लाई किया है। इसका भी लुक बहुत ही अच्छा हटके आता है थोड़ा। आंखों में अगर काजल और ब्राउन कलर का लाइनर हो तो ये भी एक बहुत ही क्यूट सा लुक क्रिएट करता है। और ये है लास्ट कलर मेरे पास ब्लू कलर का, तो ये भी बहुत ज़्यादा, इसके सारे लाइनर हाई पिगमेंटेड है, ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बस थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि ये वाटर प्रूफ नहीं है। वाटर प्रूफ रहता तो इस
ये बहुत ही अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, अगर इतने कम दामों में इतने सारे कलर अवेलेबल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें एडजस्ट हो जाता है। तो ये है मेरा ब्लू कलर का लाइनर, आप देखिए जिस कलर का मैंने परचेज़ किया है, जिस कलर का, कितने होते हैं ना बोतल के कलर, कुछ और होते हैं अंदर, कुछ और होते हैं, वैसा नहीं है, जो दिखा है वही वही मुझे मिला भी है। यहाँ पे मैंने 6 कलर परचेज़ किया था और 6 के 6 कलर मुझे बहुत ही प्यारा क्यूट मिला था, बट एक मुझसे टूट गया है तो मेरे पास 5 बचा है। और ये 5ों का ये जो कलर दिख रहे हैं ये बहुत ही प्यारा है, सारे की क्वान्टिटी 1 ml है और ये आराम से मैं अगर अकेले यूज़ करती हूँ आराम से मुझे 1 साल तक तो आराम से चलने वाला है, उससे ज़्यादा ही चल सकता है। बस आप देखिए जिस कलर का ये लाइनर मुझे दिखा था सेम टू सेम मैंने मुझे वैसे ही प्रोडक्ट मिला भी है और अप्लाई करने के बाद भी वैसे ही मेरे फेस पे क्रिएट भी कर रहा है। ओवरऑल मुझे जितने सारे मैंने कलर परचेज किए थे जैसे मुझे दिखा था सेम टू सेम वैसे ही मुझे मिला भी है, थोड़ा सा भी चेंज नहीं है इसमें, बस एक कलर तो वो ब्रांड अप डाउन करेगा ही, अगर आप 6 कलर परचेस करते हैं कोई एक कलर वो अपने मन से डाल देते हैं, क्योंकि मैंने परचेस किया तो कमेंट में भी मैंने देखा था कि ऐसा प्रॉब्लम सबके साथ हुआ है, 6 कलर अगर आप सिलेक्ट करते हैं कॉम्बो में थोड़ा कलर इधर उधर रहता है तो एक कलर आपको नहीं मिल सकता है, कोई कलर वो अपने मन से ही आपको देते हैं, क्योंकि मैंने ब्लैक इस ग्रुप में ब्लैक था तो ब्लैक की जगह पर मुझे ग्रे कलर का मिला था, कोई बात नहीं, अच्छा ही था, वो भी अच्छा था, उसको भी मैंने एक बार ही यूज किया था बस ट्रायल के लिए, देखने के लिए ये कलर कैसा है, क्योंकि मैंने ग्रे कलर तो सिलेक्ट किया नहीं था, बट वो भी अच्छा ही लुक क्रिएट कर रहा था। ये कॉम्बो लेने का फ़ायदा ये है कि आपको कम से कम बजट में इतने सारे कलर अवेलेबल हो जा रहे हैं, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, आप ड्रेस के साथ मैच करके इसे लगा सकते हैं, आप नए नए लुक क्रिएट कर सकते हैं, अगर आप स्टाइलिस्ट हैं तो नए नए स्टाइल इससे कर सकते हैं, आजकल वीडियो वगैरह बनाना है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है। और इसकी क्वांटिटी 8 ml है, ये बहुत ही ज़्यादा दिन तक चलने वाला है, आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी सारे ऐप पर ले सकते हैं, अवेलेबल है, लेकिन इसका प्राइस का मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, बस थोड़ा, जैसे मैंने आपको बोला मैंने 390 ml लिया है तो ये 395 हो सकता है या समथिंग 400, हाईएस्ट 400 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर डिस्काउंट जब चलता है अगर आप उस समय लेते हैं तो आपको और इससे भी कम दाम में आप इसे ले सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ बोलने के लिए नहीं है। और आप ओवरऑल ये बहुत ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा लाइनर है, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही सारे कलर क्यूट है, ये बहुत हाई पिगमेंटेड कलर है सबके, तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यही बोलना चाहूँगी जो जो लड़कियाँ फैशनबाज है या जो स्टाइलिस्ट है वो इसे आराम से ले सकती हैं, संभाल कर रखना पड़ेगा, अगर आप इसे कहीं ले जा रहे हैं साइड बैग में ट्रैवल के लिए तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये कांच के हैं, छन से टूट जाएंगे, क्योंकि मेरे लाइनर एक नया नेवेलन लाइनर टूट चुका है, जो कि काफ़ी दुख बहुत ख़राब लगा मुझे, मेरा नया लाइनर एक बार भी मैंने यूज नहीं किया था जो कि टूट चुका था। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो, अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके जरूर जाना, फिर मिलूंगी मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।